वन पीस मांगा चैप्टर 1030। जब मैंने इसका स्पॉइलर पढ़ा ना, मेरे दिल से एक ही आवाज निकला ओडा के लिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। सो आज जो है हम लोग इस चैप्टर को लेकर के ज्ञान पेलने वाले हैं। मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि किस प्रकार का ये चैप्टर हो सकता है। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें अच्छे से पता है मैं मांगा चैप्टर का रिव्यू करता था पहले, और अब मैं छोड़ चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग मांगा चैप्टर का रिव्यू करते हैं और यार उसमें स्ट्राइक का भी खतरा होता है, बट ये वाला चैप्टर जब आया ना, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे से रहा नहीं गया इसका स्पॉइलर का रिव्यू किए बिना। तो यार आज अपन लोग जो है इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे विथ माई ओपिनियन कि ये चैप्टर किस प्रकार का होने वाला है और इसके स्पॉइलर रीड करने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस मांगा चैप्टर का जो टाइटल होने वाला है, अभी के हिसाब से हो सकता है टाइटल फ्यूचर में जाके चेंज भी हो, तो इस वजह से बाद में हमको गाली मत देना। इस मांगा चैप्टर का अभी के हिसाब से टाइटल होने वाला है एकोस द इम्परमेनेंस ऑफ ऑल थिंग। अभी जो मैंने ये लंबा चौड़ा जो सेंटेंस बोला, अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो माफ कर देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करें, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जितने स्पॉइलर आए हैं उस बात पे मैं कर रहा हूँ चर्चा। सबसे पहले एपू एंड एशड्रैक, ये लोग दोनों जो है अलायंस को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या एपू वो भी काइडो को धोखा देकर के एशड्रैक के साथ हाथ मिलाएगा और ये लोग काइडो के सोल्जर्स की बजाने वाले हैं, या फिर ये लोग दोनों ही मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये ठीक से मेरे को नहीं पता चल रहा, पर अभी के लिए लगता है कि ये लोग दोनों अलायंस बनाने वाले हैं। साले एक्सट्रैक तो किसी का तो हो बे यार, मैं क्या बोलूं, ये कभी मरीन्स के साथ होता है, अभी भी शायद मरीन्स के साथ ही है, कभी काइडो के साथ होता है, और अभी फिलहाल ये लूफी के पार्टी में तो ज्वाइन हुआ है, देखते हैं आगे किसके साथ होता है। साथ ही ये लोग जो है नंबर 1, 2 और 3 के साथ हैं। अगर तुम नहीं जानते नंबर 1, 2, 3 कौन है, तो ये तीन नमूने जो है ये लोग हैं। इसके बाद सेकंड स्पॉइलर की तरफ बढ़े, तो सेकंड स्पॉइलर ज्यादा कुछ खास है नहीं, और रुचि जाके कांजीर को ऑर्डर देता है कि सब कुछ तबाह कर दो, क्योंकि अब उसको लगने लग गया है कि काइडो हारने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उसकी बजाई जा रही है और ऊपर से उसका जो कोई नहीं सुना, उल्टा काइडो भी उसका सर काट दिया था अगर तुमको याद होगा, तो उस हिसाब से यही लगता है कि बरुची बदला लेने का ट्राई कर रहा है, मतलब सब कुछ बिगाड़ने वाला है, वो किसी का साइड नहीं है, वो बस अपना मतलब देख रहा है। और रुचि का ऑर्डर सुनने के बाद कांजीरो एक जायंट सा फ्लेयर डीमन क्रिएट करता अपने ड्रॉइंग से, और ये कितना तबाह करेगा चलो देखते हैं, कौन इसकी बजाएगा, ये तो कामयाब नहीं होगा तुम लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन कौन इसकी बजाने वाला वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यार, जो चीज मतलब मेरे को सबसे ज्यादा खींचा ना, लॉ और किड का डेविल फ्रूट अवेकनिंग हो चुका है, क्योंकि यार तुम लोग भी अच्छे से जानते हो बिग मॉम जिस तरह से बजा रही थी, उन लोग को धोए जा रही थी, मुझे नहीं लगता था कि यार बिना अवेकनिंग के ये लोग उसको कुछ कर पाएंगे। सबसे पहली बात, ये लोग दोनों ने अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग किया, और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है बट दे ओनली कैन यूज देम एज देयर लास्ट रिजॉर्ट। एक्चुअली जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा था तब मैं खुद नहीं समझ पाया, पर बाद में मैं समझ गया। जिस तरह से जोरो अपने जो आसुरा वाला फॉर्म है, नाइन स्वॉर्ड स्टाइल वाला, वो हमेशा यूज नहीं करता है, वो नाइन स्वॉर्ड स्टाइल में हमेशा तो फाइट नहीं करता है, वो एक अटैक का नाम है। उसी तरह से यार ये लोग भी अपने डेविल फ्रूट अवेकनिंग वाले फॉर्म को हर वक्त नहीं कर सकते, ये लोग अपने इस फॉर्म को ना लास्ट अटैक की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब ये हर वक्त तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो यार, कोई नया चीज तो देखने को मिला। हाँ, इन लोगों ने लूफी से पहले अवेकनिंग किया, और तुम लोग अच्छे से जानते हो लॉ का डेविल फ्रूट ओपे ओपे नो भी, वो मेरा फेवरेट डेविल फ्रूट है, और जब इसका अवेकनिंग के बारे में मुझे पता चला मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि लॉ का जो डेविल फ्रूट अवेकनिंग वाला फॉर्म है ना, लॉ बिग मॉम को अंदर से डैमेज दे सकता है, उसके इंटीरियर ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। पता नहीं यार ये कॉन्करर हॉकी कोटिंग वाले पे असर करेगा नहीं करेगा, पर मेरे को अभी तो लगता है कि वो शायद असर कर सकता है, बिकॉज ही इज सर्जन ऑफ डेथ। अब देखते हैं ये डेविल फ्रूट कितना काम देता है, इस डेविल फ्रूट का अवेकनिंग से कितना फायदा होता है लॉ को बिग मॉम के खिलाफ, वो तो हमें जब प्रॉपर तरीके से फाइट जब मांगा चैप्टर में आएगा और अच्छे से दिखाया जाएगा, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज होने वाला है, किड का डेविल फ्रूट अवेकनिंग, और किड अपने डेविल फ्रूट अवेकनिंग करने के बाद वो बिग मॉम को क्या करता है, एक जायंट मैग्नेट में बदल देता है, मतलब तुम समझ सकते हो। अब बिग मॉम के पास आकर के जितने भी लोहा वगैरह वो सब आपस में आकर के वहां पे चिपकने वाले। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग में आ सकता है कि आखिर उसने बिग मॉम को किस तरह से एक जायंट मैग्नेट में बदला, यहाँ पर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में रीजन ही यह है कि जैसे कि हर इंसान के अंदर उसके ब्लड में आयरन की मात्रा पाई जाती है,
शायद ऐसा हो सकता है कि इस कारण से किड ने उस आयरन को जो है चुंबक में बदल दिया और वो अपने अवेकनिंग पावर से इसी वजह से जितने भी लोहा वगैरह कबाड़ वगैरह वो सब जा करके बिग मॉम के ऊपर चिपक रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ये एक थ्योरी मेरे को मिल गया था। तो मेरे भाई अब तुम लोग को क्या लगता है ये चैप्टर किस प्रकार से होने वाला? अगर मैं बात करूँ ये चैप्टर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर में से एक होने वाला, और सही बता रहा हूँ ओडा ने बवाल दिखा दिया। लूफी और काइडो का जो कॉन्करर हॉकी क्लैश हुआ था ना, जब बादल फटा था ना, उसमें मैं जितना एक्साइटेड नहीं हुआ था ना, ये स्पॉइलर पढ़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो चुका मांगा चैप्टर के लिए। तो यार यही था आज का वीडियो। अब तुम लोग को क्या कहना है, तुम लोग बताओ ये चैप्टर किस प्रकार का हो सकता है, तुम लोग वो चीज जानकारी दो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुमको पता है क्या क्या करना है, वीडियो को लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब मारना। और हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया था, हमारे जो पिछला वीडियो है वन पीस लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर मैंने एक गिव अवे अनाउंसमेंट कर रखा है क्रंची रोल का। जो जीतेगा उसको क्रंची रोल का अकाउंट गिव अवे में दिया जाएगा, सिर्फ एक विनर होगा। और अभी तक विनर मुझे नहीं मिला, किसी भी बंदे ने सही से जवाब नहीं दिया है। तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है, जा करके तुम लोग जीत सकते हो वो वाला अकाउंट।